अब हमें दुनिया में सारे लोग खराब नजर आते हैं और हमको अपना अच्छा नजर आता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि हमें अपनी बुराई नजर आए, अपना है नजर आए, अपना गुनाह नजर आए, दूसरों के अंदर अच्छाई अच्छाई नजर आए, तब तो ये कहा जाएगा कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। हम लोग जब तक ये हसद कीना बोझ अदालत गुस्सा लालच इन सब चीजों को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक हम तरक्की के राह पर से क्या इस दुनिया में जीने का हक नहीं रखते। हमें जीने का हक नहीं है, हमें मुसलमान का रुख दिखाने पर शर्म होती है, शर्म करना चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारने की कोशिश करता है कि मुसलमान को एक दूसरे मुसलमान को बचाने की कोशिश कर रहा, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, एक पड़ोसी दूसरा पड़ोसी को, एक गांव वाला दूसरे गांव वाले को, ये सब बीमारियां हम दिलनगर के सरिया, हम सर्रापट्टी, हम तपा के लोग अच्छे, सर्रापट्टी के लोग खराब, इस तरह का माहौल पहले अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुनने में आता था, लेकिन अब तो गांव के क्या कहा जाए, एक एक भाइयों में इतना इख्तिलाफ समझने आता है, ऐसा लगता है कि ईमान हमारे दिलो दिमाग से रुखसत हो चुका। हम सलामती का पैगाम बनकर आए थे, मुसलमानों के लिए क्या गैर मुस्लिमों के लिए भी हम सलामती का पैगाम थे, सलामती की जिंदगी विवाद